कानपुर नगर जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी महोदय ने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त आवश्यक वस्तुओं की होलसेल दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें केवल होलसेल ही माल बेचा जाएगा। किसी भी स्थिति में फुटकर सामान नहीं बेचा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होलसेल दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु पूर्वता आदेश सुबह 4 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद सभी सब्जी फल विक्रेता ठेलिया आदि के माध्यम से 24 घंटे होम डिलीवरी मोहल्ले मोहल्ले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिक्री करेंगे। सुबह 4 बजे से 11 बजे आवश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तथा होलसेल दुकानदारों को सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होलसेल दुकानें खुलने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय का बयान जारी हुआ। मैं जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव तिवारी, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन परिस्थिति में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इसके बारे में कानपुर के सभी सम्मानित नागरिक जो इसके पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिसको लेकर कई सारी सोशल मीडिया इत्यादि पर कुछ भ्रांतियाँ भी लोगों में फैलाई गई हैं, कि पहला यह जो व्यवस्था सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मंडी इत्यादि से सब्जी फल इत्यादि के उठान के लिए और इनकी बिक्री जो रिटेल के माध्यम से होनी है, होम डिलीवरी के माध्यम से होनी है, और जो दुकानें 11 बजे तक खुलनी थीं, वे आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें इत्यादि 11 बजे तक पूर्ववत खुलेंगी, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा, जो होम डिलीवरी की 24/7 की अर्थात पूरे दिन रात की जो व्यवस्था बनाई गई है, वो व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तीसरा, जो सामान के होलसेलर से रिटेलर तक जाने के लिए जो व्यवस्था सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक की गई है, वह इसलिए की गई है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं को सारा सामान मिल सके और रिटेल में उन अपने होम डिलीवरी इत्यादि करने के लिए उन्हें आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, यह व्यवस्था बनाई गई, यह व्यवस्था यथावत रहेगी। और इसके लिए लोग जो खुदरा व्यापारी हैं, थोक व्यापारियों को अपनी आवश्यकताएं नोट करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि एक हफ्ते से ज़्यादा राशन या आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें। वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करना, चाहे वो व्यापारियों के स्तर पर हो, थोक विक्रेताओं के स्तर पर हो, यह प्रतिबंधित है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। कृपया इन चीज़ों का उल्लंघन न करें। और दूसरा, उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि मानवता की इस संकट की घड़ी में, जब एक बहुत बड़ी त्रासदी के जो हमारे सामने मुबाए खड़ी, हम सब जूझ रहे हैं, इस समय वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करके जरूरतमंदों के लिए कोई संकट न खड़ा करें और आप सब इस व्यवस्था में बहुत सहयोग दें। कानपुर नगर इसमें जो लोगों के भोजन कराने में और जो लोग कानपुर में फंसे, जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ कोई भी समस्याएं आ रही हैं, यहाँ के सम्मानित नागरिकों ने इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर जो भूमिका निभाई है, जिला प्रशासन इसके लिए उनका हृदय से आभारी है।